पश्चिम बंगाल में चुनावी बिसात में 9 साल की एक बच्ची के यौन शोषण और हत्या की वारदात राज्य सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ रही बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। कोलकाता के जोड़ा बागान इलाके में 9 साल की एक बच्ची की लाश पड़ोस के मकान की छत पर मिली थी। बच्ची के जिस्म पर काफी घाव थे, जिसके बाद जोड़ा बागान के लोगों ने जमकर हंगामा किया था। इस मामले में पुलिस ने पहले रणवीर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पकड़ में आया रणवीर बच्ची के रिश्तेदार को जानता था और उसका बच्ची के रिश्तेदार के घर आना जाना भी था। पूछताछ में उसने बताया कि उसने एक गार्ड रामू के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब ये मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया है और तमाम लोग ममता सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। उनके मुताबिक हाथरस में दलित युवती के साथ हुए रेप कांड में तो टीएमसी के तमाम सांसद वहां पहुंचे थे और पीड़िता को न्याय देने की मांग उठा रहे थे, लेकिन कोलकाता के जोड़ा बागान मामले में ममता सरकार खामोश क्यों है? आने वाले वक्त में ये वारदात पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में बड़ा मामला बन सकता है। वैसे भी बीजेपी टीएमसी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।